नर्मदे हर, मैं वीणा मंडलोई इंदौर महिला इकाई की अध्यक्ष हूँ और आज हमने आयोजन किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, जो अखिल भारतीय नर्मदी ब्राह्मण महिला संगठन की इंदौर इकाई के द्वारा नर्मदा भवन महिला मंडल के सहयोग से किया गया है। और नर्मदा भवन के इस प्रांगण में हमने पूरे इंदौर से महिलाओं को आमंत्रित किया, और कोरोना की वजह से जो इतने दिनों से बहनें घर में बैठी थी और ऑनलाइन प्रोग्राम्स कर रही थी तो ऊब गई थी सारी, और सारी मिलना चाहती थी, तो हमने आज पूरा दिन महिलाओं के लिए, महिलाओं को समर्पित रखा। कुछ प्रतियोगिताएं रखी जिसमें क्विज थी जो हमारी धर्म और परंपराओं के आधार पर थी, और एक हमारा स्मार्ट श्रीमती प्रोग्राम प्रतियोगिता थी, एनडी स्मार्ट श्रीमती, जो नर्मदी ब्राह्मण महिलाओं को उन्हीं से संबंधित सवाल पूछे थे। और एक हमने डांस कंपटीशन रखा है जो सोलो डांस है, और बहनें बहुत एंजॉय कर रही हैं, काफ़ी दिनों के बाद मिली हैं और बहुत आनंद आ रहा है। स्वल्पाहार है साथ में, कुछ हमने उद्यमी बहनों के स्टॉल भी लगवाए हैं, तो आज का दिन बहुत आनंदपूर्ण बीत रहा है और जल्दी हम रिजल्ट सारे समाज के सामने रखेंगे। धन्यवाद। हमारी डॉक्टर भावना बर्वे हैं जो आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं। आपने सारी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी की है और आपके ही मार्गदर्शन में आज का कार्यक्रम पूरा अच्छी तरह से संपन्न हो पाया है, और आदरणीय आशा दीदी का हमको आज बहुत सपोर्ट मिला है, जो ये आप 100-150 की संख्या देख रहे हैं उनको इकट्ठा करने का सारा श्रेय आशा गीते दीदी को जाता है, तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आज आशा दीदी को। और हमारी सुधा दीदी भी हैं साथ में, आपकी भी मेहनत है। कल्पना वा भी हमारी संयोजक हैं, आदरणीय कल्पना उपाध्याय जी हैं, आप भी हमारी संयोजक हैं कार्यक्रमों की, तो इस तरह से मिलकर टीम ने और कुछ ने प्रत्यक्ष कुछ ने अप्रत्यक्ष रूप से हमारा सहयोग किया। चार ये था कि हम आज इन्जॉय करें, सब साथ में मिलें, खाएं पिएं, मस्ती करें और पूरा दिन सिर्फ अपने लिए जिएं। और हमने जो इसकी तैयारी हमने पूरी गूगल मीट पर की थी, सबने अपने अपने घरों से बैठकर तैयारी की है और आज देखिए ये सफल आयोजन हो पाया है। नर्मदे हर भैया, ये हम लोग गूगल मीट पे मीटिंग करते रहे और हमारा यही विचार था कि हम चारों तरफ से लोगों को बुलाएं और ऐसे हम लोग और भी कार्यक्रम करेंगे तो हर क्षेत्र से करेंगे। जैसे अभी हमने ये नर्मदा भवन से किया, तो इसमें कोई अकेले मेरा सहयोग नहीं है, हम सबका बहुत बड़ा सहयोग है और सबने ही अपने अपने तरफ से सब मेम्बरों को इकट्ठा किया है, तो आज ये इतने हम लोग जुट पाए हैं। हमारी भावना दीदी, वीणा दीदी, कल्पना दीदी, सुधा दीदी, हम सभी लोगों ने मिलके आपस में तय किया है कि हम प्रोग्राम को कैसा रूप देंगे, क्या क्या रखेंगे। तो उसमें हमारे दिमाग में एक ही आया कि जैसे हम हरियाली उत्सव मनाते हैं तो महिला दिवस पे हम क्यों ना स्मार्ट नर्मदी महिला को करें। आयोजन बहुत पहले से चल रहा था, वीणा आशा दीदी सभी लोगों ने अच्छा प्लान किया है और सभी स्मार्ट महिलाओं ने महिला दिवस पे अपने बहुत अच्छे प्रोग्राम दिए, सभी महिलाओं ने बहुत अच्छा अपना पार्टिसिपेट किया। हम 150 महिलाओं के आसपास हैं और बढ़िया नाचना गाना और क्विज रही, काफ़ी महिलाएं, सभी महिलाएं बहुत ही ज़्यादा होशियार और अच्छे से उन्होंने जवाब दिए और बहुत अच्छा हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और भावना, अब बस वैसे तो वीणा दी ने सब कुछ बता ही दिया है, मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये जो प्रतियोगिताएँ रखी थी, वैसे तो हम स्त्रियों की हमेशा देखते हैं बाह्य सुंदरता देखते हैं कि वो कैसी दिखती है, उनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें होती है, लेकिन आज हमें उनकी आंतरिक सुंदरता भी देखने को मिली इन प्रतियोगिताओं के द्वारा। धन्यवाद। जन बहुत अच्छा रहा, वीणा दी ने सुझाया था और हम सब लोगों ने मिल के मूर्त रूप दिया और बहुत आनंद आया। अभी कोरोना काल के कारण हम लोग आपस में मिल नहीं पा रहे थे, तो ये एक बार वर्चुअल मीटिंग के बाद ये रूबरू सबसे मिले तो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा रहा आज का कार्यक्रम। धन्यवाद।